हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ्स एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक ट्वेल्थ का बहुत ही अच्छा सा टॉपिक इंटीग्रेशन लेके आए हैं। इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम जो एक्सरसाइज है हमारी 9 चैप्टर है उसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल है x की पावर 6 को हम सोल्व कैसे करते हैं? इसको करते हैं, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इसको हम इसमें यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 प्लस c, तो ये क्या हो गया? x की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। वो क्या बोल रहा है? उसमें है रूट x, इसमें क्या है? x की पावर 1 बाई 2। तो सेम वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसमें भी। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करेंगे ऐसे, इसको लिख लेंगे x की पावर 1 बाई 2। अगली स्टेप में इसको लिखेंगे 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी। तो क्या हो जाएगा? ये 1 बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा x की पावर 3 बाई 2, और ये क्या होगा? नीचे भी 3 बाई 2। तो ये 2 क्या चला जाएगा? ऊपर, और नीचे क्या रह जाएगा? 3 प्लस सी। ये क्या हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या आंसर। अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। वो क्या है? थर्ड पार्ट है x² + 1 अपॉन x की पावर 4। इसको हम कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहले करते हैं हम इसको दोनों तरफ x की पावर 4 से डिवाइड लगा देते हैं, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। अब क्या करते हैं? अब हम करते हैं इसमें, यहां से x की पावर 2 है तो यहां से है 4, तो नीचे क्या बच जाएगी? 1 अपॉन x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। अब सेम वही फॉर्मूला ये जो ऊपर वाला हम यूज करेंगे इसमें, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x की पावर -2। इसको क्या लिख सकता हूं? x की पावर -4। अब वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस x की पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1 प्लस c। कांस्टेंट, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं, ये हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1 माइनस ये माइनस बच जाएगा -3, और ये बच गया x की पावर -3 प्लस c। ये क्या हो जाएगा हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चलो, आप सभी ने ये सब नोट कर लिया होगा, जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर ले जल्दी से। अब हम लेके आ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में क्या है? फोर्थ पार्ट है 1 अपॉन रूट x। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे बिल्कुल जनरल तरीके से। इसको हम सबसे पहले लिख सकते हैं 1 अपॉन x की पावर 1 बाई 2, लिख लिया। अब क्या करते हैं हम इसमें, सबसे पहले करते हैं इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा? x की पावर -1 बाई 2। अब सेम हमने उन तीनों क्वेश्चन में वो जो फॉर्मूला यूज किया था वही फॉर्मूला इसमें यूज करूंगा तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस वन बाई टू
प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स की पावर वन बाई टू, और माइनस वन में से वन बाई टू चला गया तो क्या बचा वन बाई टू, और टू नीचे है तो ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा टू प्लस कॉन्स्टेंट, ये हो गया फोर्थ। चलो इसको नोट कर लो जल्दी से। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या है हमारा, सेकंड एग्जांपल है इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स डीएक्स। इसको सॉल्व करते हैं, वही बस बेसिक सा तरीका है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, इन तीनों को अक्स से डिवाइड करते हैं, तीनों पार्ट को क्या करते हैं, अक्स से डिवाइड। अक्स से डिवाइड करेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस बी एक्स अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स डी एक्स। बिल्कुल, अब मैं इसको अक्स से, यहां से एक अक्स कैंसिल हो गया, ये आ गया ए एक्स, यहां से आ गया बी, और यहां से हो जाएगा, यहां से कुछ कैंसिल नहीं हुआ, सी अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ए, यहां पे पावर वन है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस, यहां से बी के साथ में बी एक अचर है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है तो इसका साथ में हो जाएगा एक्स प्लस, और ये जो है इसका हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वन अपॉन एक्स डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम, लॉग एक्स प्लस सी, इसका हम यूज करेंगे, आप इसको यूज करते हैं, हम लिख सकते हैं इसको सी लॉग एक्स प्लस, और यहाँ पे सी वैसे आ गया इसमें अचर, तो इसमें अचर एक और ऐड कर देते हैं डी जो कॉन्स्ट, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया इसका। अब हम क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले क्या लिख सकते हैं हम एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, ये होता है। तो अब हम यहाँ साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स। चलो हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स। अब मैं इसको दो पार्ट में लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का एक सर्वसमिका होगी, इसको मैं लिख सकता हूं वन माइनस कोस एक्स इंटू वन माइनस वन प्लस कोस एक्स अपॉन वन माइनस कोस एक्स, ये इंटीग्रेशन का साथ में चलता रहेगा, वन माइनस कोस एक्स से वन माइनस कोस एक्स कैंसिल बाय आउट। अब मैं इसको आगे क्या लिख सकता हूं, इसको आगे लिख सकता हूं इंटीग्रेशन वन प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब मैं जानता हूं कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स, और वन का क्या हो गया एक्स, और कोस एक्स का साइन एक्स, और साथ में अचर कॉन्स्टेंट, ये फाइनली इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले यूज करते हुए क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं अपन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर फोर। एग्जांपल नंबर फोर में देखेंगे हम, एग्जांपल नंबर फोर, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन इंटीग्रेशन डीएक्स।
इसको कैसे सोल्व करते हैं हम? इसको सोल्व करने के लिए हम एक थोड़ी सी ट्रिक यूज करते हैं। ट्रिक क्या यूज करते हैं कि अगर मैं ये x स्क्वायर है इसमें 1 ऐड कर दूं, 1 सबट्रैक्ट कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा इसमें? कोई चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। तो मैं ऐसा कर सकता हूं इसमें, तो 1 सबट्रैक्ट कर दिया और इसमें 1 ऐड कर दिया, नीचे x प्लस 1 dx। अगर मैं इन दोनों को इस तरीके से लिख सकता हूं, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, तो कुछ गलत थोड़ी कर दिया मैंने। इसको वापस तोड़ेंगे तो इस फॉर्म में ये वापस चेंज हो जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या बचा, x माइनस 1 प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। अब इसको क्या करते हैं हम, एक्स का बेसिकली इंटीग्रेशन हम सभी लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस वन का क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन, हमने एक फर्स्ट एग्जांपल में देखा था कि वन अपॉन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग एक्स, लॉग एक्स होता है। तो यहाँ पे वन अपॉन एक्स प्लस वन है, तो इसका क्या हो जाएगा, log x प्लस वन प्लस अच्छा कॉन्स्टेंट। ये एग्जाम्पल नंबर 4, जल्दी से नोट करो इसको।